Hello everyone, today I'm going to teach you English grammar chapter number 3, parts of speech. I have divided this video into two parts. If you like this video, then do this video a thumbs up, subscribe to my channel, press the bell icon so that you can get all my videos notification, and share this video with your family and friends too. So let's get started. First of all, I would like to tell you the content of the chapter. In this chapter, I will be covering the डेफिनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि शब्द भेद की परिभाषा बताऊंगी मैं आपको. देन आई विल बी टेलिंग यू हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर विद द हेल्प ऑफ देयर डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल्स. फिर मैं आपको कितने प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद होते हैं और उनकी परिभाषाएँ और एग्जाम्पल्स बताऊँगी. एंड देन वी विल बी लुकिंग अराउंड द सॉल्व एक्सरसाइज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच. अंत में क्या करेंगे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद की एक्सरसाइज को करेंगे. व्हाट डू यू मीन बाय पार्ट्स ऑफ स्पीच? शब्द भेद क्या होता है? शब्द भेद क्या होता है? द वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स अकॉर्डिंग टू देयर यूज और वर्क इन द सेंटेंस आर नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच. किसी भी वाक्य में हर शब्द को उसके काम के अनुसार एक नाम दिया गया है, उसे हम शब्द भेद बोलते हैं. देर आर 8 टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच. शब्द भेद कुल 8 प्रकार के हैं. फर्स्ट इज नाउन, दैट मीन्स संज्ञा. सेकेंड इज प्रोनाउन, दैट मीन्स स्वरनाम. थर्ड इज एडजेक्टिव, दैट मीन्स विशेषण. फोर्थ इज वर्ब, दैट मीन्स क्रिया. Fifth is adverb, that means kriya visheshan. Sixth is preposition, that means sambandhvachak avyav. Seventh is conjunction, that means samuchya bodhak, that means sanyojak. And the last one is interjection, that means vismyadi bodhak. Ab hum Now, I will be explaining you the first 4 parts of speech and in this slide, and I will be explaining another 4 parts of speech in another slide. यानी कि मैं इस वीडियो में आपको पहले 4 शब्द भेद की परिभाषाएँ बताऊँगी उनके examples के साथ, और जो बचे हुए शब्द भेद होंगे वो हम दूसरी वीडियो में कवर करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. पहला शब्द भेद देखते हैं. पहला शब्द भेद क्या है? हमारा नाउन है. नाउन को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं. अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. दैट मींस किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को हम संज्ञा बोलते हैं. जैसे कि उदाहरण हम ले सकते हैं, रिया, पुलिस, गर्ल, टेबल, टी, दिल्ली, हैप्पीनेस, ऑनेस्टी. तो ये सब क्या है? हमारे नाउन है, यानी संज्ञा है. तो चलिए एक और थोड़े और उदाहरण देखते हैं संज्ञा के. पहला उदाहरण है द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी कि जो सन है, जो सूर्य है, वो ईस्ट में उगता है. तो इसमें हमारा नाउन यानी संज्ञा क्या हुआ? सन. सन क्या हुआ? हमारा नाउन यानी संज्ञा, और ईस्ट भी क्या हुआ? संज्ञा हुआ. नेक्स्ट चलते हैं, कोलकाता इज ऑन द हुगली रिवर, यानी कोलकाता जो है कहाँ पे है? हुगली रिवर पर है. तो इसमें कोलकाता और हुगली रिवर क्या हुआ? हमारा नाउन हुआ, यानी कि संज्ञा हुआ. संज्ञा ऑफ प्लेस एंड संज्ञा ऑफ नेम. चलिए दूसरे उस पर चलते हैं. राम इज ए ब्रेव बॉय. कहने का मतलब ये है कि राम जो है वो क्या है? बहादुर बच्चा है. तो इसमें राम क्या हुआ? नाउन ऑफ नेम हुआ, और बॉय भी क्या हुआ? हमारा नाउन हुआ. तो चलिए आगे हम प्रोनाउन पे चलते हैं. प्रोनाउन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्वर नाम बोलते हैं. प्रोनाउन को क्या बोलते हैं हम? स्वर नाम. प्रोनाउन क्या होता है?
A pronoun is a word used in the place of noun. यानी कि संज्ञा की जगह पर इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों को हम स्वरनाम कहते हैं, यानी कि प्रनाउन बोलते हैं. जैसे प्रनाउन होते हैं जैसे कि आई, यू, ही, शी, इट, हिम, हर, दिस, देम, सम, समबडी और आदि इत्यादि. तो चलिए थोड़ा सा एग्जांपल्स देखते हैं. अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको इसमें बता दूं कि अगर आपको कोई मतलब एक पैराग्राफ लिखना है अपने दोस्त के ऊपर या फिर अपनी टीचर के ऊपर या किसी भी पर्सन के ऊपर, तो इसमें क्या होता है कि आप उस पर्सन का नाम अपने वाक्य में यानी अपने पैराग्राफ में बार बार नहीं ले सकते. तो उसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो? ही शी लिख सकते हो. सिंगुलर है तो ही शी आ जाएगा, अगर प्लूरल है तो दे आ सकता है. तो चलिए थोड़े से उदाहरण देखते हैं. पहला उदाहरण है जोहन इज अ बॉय. जोहन एक लड़का है, फुल स्टॉप. ही स्टडीज इन आर स्कूल, वो हमारे स्कूल में पढ़ता है. तो इसमें क्या है? जोहन क्या है? हमारा नाउन यानी संज्ञा. और ही क्या हो गया? हमारा स्वरनाम, क्योंकि ही ने क्या किया? नाउन की जगह ले ली, यानी जोहन की जगह पे वो लिखा गया है. दूसरा है रिया इज अ गर्ल. रिया एक लड़की है, फुल स्टॉप. एवरीवन लाइक्स हर, यानी कि उसको सब पसंद करते हैं. तो इसमें रिया हमारा नाउन आ जाएगा और हर क्या हुआ? हमारा स्वरनाम हुआ. मिक लव्स टू स्टडी. मिक लव्स टू स्टडी यानी मिक को पढ़ना अच्छा लगता है. ही इज गुड एट स्केटिंग, और वो स्केटिंग करने में भी अच्छा है. तो इसमें मिक क्या हुआ? हमारा नाउन, और ही क्या हो गया? हमारा स्वरनाम हो गया. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. एडजेक्टिव. एडजेक्टिव यानी विशेषण. विशेषण क्या होता है? एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट सेज मोर अबाउट नाउन और प्रोनाउन. जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं. जैसे कि गुड, बैड, इंटेलिजेंट, क्लीन, डर्टी, स्मॉल, लेजी, एक्सेट्रा. तो इन सबको हम क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं. क्या बोलते हैं? विशेषण. तो चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं. इसमें राम इज अ ब्रेव बॉय, यानी राम क्या है? राम एक बहादुर बच्चा है. इसमें राम क्या हुआ? हमारा नाउन हुआ, और ब्रेव क्या हुआ? हमारा विशेषण हुआ. वो विशेषता बता रहा है कि राम कैसा है, बहादुर बच्चा है. नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं. नेहा इज अ क्लेवर गर्ल. नेहा जो है मतलबी लड़की है. तो इसमें नेहा क्या है? हमारा नाउन है यानी कि संज्ञा है, और क्लेवर क्या है? एडजेक्टिव यानी कि विशेषण है. तो नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस है चिराग इज अ नाइस बॉय, मतलब चिराग एक अच्छा बच्चा है. तो इसमें चिराग क्या हो गया? हमारा नाउन हो गया, और नाइस क्या हुआ? हमारा एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, क्योंकि वो विशेषता बता रहा है चिराग की, चिराग कैसा है. तो चलिए आगे चलते हैं हम. वर्ब क्या होता है? क्रिया. वर्ब को क्या बोलते हैं हिंदी में? क्रिया. अ वर्ब इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शन और स्टेट. जो शब्द किसी सब्जेक्ट के द्वारा होने वाली क्रिया यानी एक्शन या उस की स्थिति के बारे में यानी स्टेट के बारे में बताते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं.
अब देखिए ये जो तीन वाक्य हैं इसमें मैंने अंडरलाइन किया हुआ है वर्ब को. पहला वाक्य है वी सॉ अ मूवी. वी क्या है? यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है तो वी ने क्या किया, यानी हमने क्या किया, मूवी देखी. देखना मतलब सॉ देखा. यू टाइप्ड अ फ्यू लेटर. यू मतलब तुमने क्या किया, टाइप किया क्या, फ्यू लेटर. तो इसमें टाइप्ड क्या है, हमारा वर्ब है. दे वॉच्ड अ क्रिकेट मैच. दे वॉच्ड मतलब उन्होंने देखा. क्या देखा? क्रिकेट मैच देखा. तो चलिए अब हम इसकी एक्सरसाइज पे चलते हैं. आपको नीचे चार सेंटेंसेस दिए गए हैं, यानी चार वाक्य दिए गए हैं. आप उनके विपरीत आपको क्या बोलते हैं, बता रखा है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से शब्द भेद भरने हैं या अंडरलाइन करने हैं. तो चलिए देखते हैं. पहला है शी वेंट टू द मार्केट. शी वेंट टू द मार्केट एंड बॉट सम एग्स. मतलब वो मार्केट गई और वहाँ से कुछ अंडे लेकर आई. तो इसमें हमने क्या करना है, वर्ब बताना है. तो हमारा वर्ब क्या क्या हुआ, वेंट और बॉट. क्योंकि इसमें क्या है, उसका एक्शन बताया गया है. नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं, नेक्स्ट वाक्य पे. दैट वॉज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. अब इसमें हमें क्या करना है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच भरना है, विशेषण बताना है, विशेषता बतानी है. तो हमारी इसमें विशेषता क्या है, डिफिकल्ट. क्वेश्चन पेपर कैसा था, डिफिकल्ट था. नेक्स्ट उस पे चलते हैं, जोहन इज माय बेस्ट फ्रेंड. इसमें आपको ब्रैकेट में दे रखा है संज्ञा बतानी है, यानी नाउन बताना है. तो नाउन क्या हुआ, जोहन हुआ इस सेंटेंस में. नेक्स्ट में है, राम एंड श्याम आर बेस्ट फ्रेंड्स. राम और श्याम जो है अच्छे मित्र हैं. फुल स्टॉप. दे स्टडी इन सेम क्लास. और वो दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते हैं. तो इसमें हमें क्या करना है, प्रोनाउन बताना है, यानी स्वरनाम बताना है. तो इस सेंटेंस में स्टडी की जगह पे दे के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि हमारा जो स्वरनाम है वो दे है. और दे इसलिए है क्योंकि यहाँ पे दो पर्सन्स के बारे में बात की जा रही है. अगर यहाँ पे किसी सिंगल पर्सन के बारे में बात की जाती तो वहाँ पे ही या शी लगता. ठीक है, तो अभी क्या करना है आपको, इस पूरी वीडियो को अच्छे से देखना है, समझना है और मेरी आने वाली वीडियो का इंतज़ार करना है. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब.